आज छोटी रात की क्लास है 27 मार्च 1968। ये है संबंध, रूहानी बाप और जीवात्माओं का संबंध। रूहानी बाप को अपना शरीर तो है नहीं, और संबंध कहा जाता है समान बंधन को, अथवा तो सम्मान संपूर्ण बंधन को। रूहानी बाप को अपना शरीर ही नहीं है तो समान बंधन कहते हो, संपूर्ण बंधन कहते हो। जीव आत्माओं को तो अपना शरीर है और बाप को नहीं है, तो बेहद का बाप और जीवात्मा जिनको अपना शरीर है उनके साथ संबंध कैसे जुटे? शिव बाबा को जीवात्मा नहीं कहेंगे, कहते हैं ये मेरा शरीर नहीं है। यह उनका जीव तो नहीं है ना, बाप कहते हैं जिस आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं उन आत्माओं से बात करता हूँ। क्या जिन्होंने 83, 82 या कम जन्म लिए हैं उन आत्माओं से बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? है? क्योंकि उनके साथ समान बंधन नहीं जुड़ सकता। संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? समान बंधन वालों के साथ। तो मैं 84 जन्म लेने वाली आत्माओं से बात करता हूँ जो अपन को पतित समझते हैं, कम जन्म लेने वाले न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। भारतवासी तो पूरे पतित बनते हैं, तो उनको आकर मैं उठाता हूँ। मनुष्य तो हर बात में बेसमझ है। बाप सिद्ध करके बताते हैं तुम बिल्कुल ही तमोपदान बन गए। जिसको पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। पतित पने का अर्थ ही नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने कांटे हो, बंदर हो, परंतु तुमने अर्थ समझा है तो समझते हो। नए कोई आते हैं तो फट से ये नहीं कहना है कि तुम पतित हो, पहले तो बिठाना चाहिए। कहते हैं ज्ञान की बातें सुनने के लिए आए हैं। ज्ञान क्या है ये तो जानते ही नहीं है। जो भक्त है वो ज्ञान चाहते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है। परंतु वे ये बात जानते नहीं है, वो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं और शास्त्र तो अनेक मनुष्यों के लिखे हुए हैं। ज्ञान तो सच्चाई को कहा जाता है, सत्य को ज्ञान और असत्य को अज्ञान कहा जाता है। अनेक मनुष्यों के मुख से जो निकलेगा वो सत्य कैसे होगा? ज्ञान से तो सदगति होती है ना। सदगति माना ही सत्य गति, सच्ची गति और सत्य एक ही है, तो एक के द्वारा ही सदगति हो सकती है। अनेकों के संग के रंग से सदगति कैसे होगी? परंतु ये जानते नहीं है, उनको ये पता नहीं है। यहाँ ईश्वर ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान सागर है। ये बिल्कुल नई बातें हैं। भगवान बाबा है, वो आया हुआ है वर्षा देने के लिए। भगवान का वर्षा है गति सदगति। इतना बुद्धि में बैठे तो कुछ समझे। इतना तो लक्ष्मी नारायण का हर एक मंदिर में है, परंतु समझाने वाला कोई नहीं है। तुम समझाते हो। शिव बाबा सभी का बाप है और वो निराकार है। निराकार भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा स्थापना, विनाश और पालना कराते हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना है ही त्रिमूर्ति। ब्रह्मा है स्थापना करने के लिए, और दूसरे जगह कहीं जावेंगे भगवान को स्थापना भी यहाँ ही करनी है। सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। सेंसिबल मनुष्य समझ जावेंगे। 5000 वर्ष के बाद सभी को आना पड़ता है। जो भी चीज है, कठोपन आदि जो भी है, 5000 वर्ष के बाद ये चीजें होंगी। फिर से कहते हैं चीज टूट गई तो फिर कैसे होगी? बहुत प्रश्न करते हैं। मूल बात है लौकिक बात और पारलौकिक बात की समझानी। लौकिक होते भी पारलौकिक को याद करते हैं, क्योंकि रावण राज्य में तो सभी दुखी हैं और दुख में ही सब पुकारते हैं। वहां नई दुनिया में तो दुख होता नहीं है। तो जब कोई यहाँ आते हैं तो तुम आधा पौना घंटा समझाते हो। म्यूजियम व प्रदर्शनी में तो ऐसे नहीं होता है। पहली बात है अलग। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, समझाना तो पड़ता है। परंतु जब तक अलग को नहीं समझा है, बुद्धि में बैठेगा नहीं। जो फर्क समझाते हैं उनको बाप का परिचय है, हम बाप के बच्चे थे तो जरूर स्वर्ग के मालिक बने होंगे। कौन स्वर्ग के मालिक बनते हैं? बाप के बच्चे कब कहे जाए? बाप से संबंध तब कहा जाए, बाप और बच्चे का संबंध तब कहा जाए जब बच्चा भी स्वयं स्थिति वाला हो और बाप तो स्वयं स्थिति में रहने वाला है ही, और स्वयं स्थिति भी चौरासी जन्मों की स्वयं स्थिति चाहिए। एक जन्म भी कम है तो कहेंगे दे अभिमान रह जाता है। हम बाप के बच्चे जरूर थे, स्वर्ग के मालिक बने होंगे। अगर नहीं समझते हो तो समझा जाएगा तुम स्वर्ग में नहीं थे। इसको नहीं समझते हो है? अगर बाप को नहीं समझते हो, अलग को नहीं समझते हो तो क्या समझा जाता है? ये स्वर्ग में नहीं थे। क्योंकि स्वयं स्थिति में पक्का टिकने वाले नहीं है, ये स्वर्ग के भांति नहीं थे। भांति माने संबंधी सदस्य, भांति बनने से जरूर यहाँ आना पड़ेगा। सतयुग त्रेता से तो द्वापर कलयुग के बहुत हैं। द्वापर कलयुग में 3-3, 4-4 बच्चे से भी जास्ती पैदा करते रहते तो बहुत वृद्धि हो जाती है। अच्छा बाप को याद करो, बाप कहते मुझे अपन बाप को याद करो तो तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाएगी, तुमको परमधाम ही याद पड़ेगा। बच्चे समझते हैं शिव बाबा ही पढ़ाते। तुम चार्ट में लिख सकते हो इतना समय हम बाबा से सन्मुख पढ़ते रहे। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, बाप पढ़ाए रहे हैं, बुद्धि बाहर कहाँ चली गई तो गोया योग नहीं रहा। तो साबित होता है कि जो सदैव सन्मुख रहे हैं वो जरूर 84 जन्म लेने वाले हैं। अगर विपरीत बुद्धि हुए तो कम जन्म लेने वाले हैं। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 31-3-68 का। बाप दादा ने एक प्रश्न कमरे में सब महारथियों से पूछा कि तुम शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो? तो सभी ने कहा इस समय की कमाई पूरी करके शरीर छोड़े तो अच्छा है। बाप दादा ने कहा ठीक है। तो यही प्रश्न क्लास में चल रहा था। बच्चों ने कहा पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो एम ऑब्जेक्ट है वो पूरी करके शरीर छोड़े तो अच्छा है। बच्चे जानते हैं वर्षा पाना है और हम ये वर्षा पाए रहे हैं। कौन सा वर्षा? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का वर्षा। ये है गॉड फादरली बर्थ राइट। गाढ़ से पैदा हुए बच्चे हैं तो जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है कि बाप से तो ये वर्षा मिलेगा ही। ऐसी ऐसी बातें कोई साधु संत आदि नहीं कर सकते। तुम्हारी बुद्धि में है, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं और विश्व का मालिक विश्व का बाप बिगर कोई बना ही नहीं सकता। खुद बाप ही आकर के ऐसी सौगात देते हैं और इसको सौगात भी नहीं कहेंगे, कहेंगे राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने आते हैं। तो तुम समझा सकते हो? संगम युग पर राजयोग की पढ़ाई का ये फल है। 31-3 68 वाणी का दूसरा पेज। ये है उत्तम से उत्तम पुरुष और ये सभी से उत्तम है। ऐसे उत्तम से उत्तम पद बाप ही प्राप्त कराते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है उनसे ही ये स्वर्ग की बात सही मिलती है। ये तो बच्चों को निश्चय है, सिर्फ सुमिरन न करने के कारण खुशी का पारा नहीं करता है। बाप तो आते ही है ये वर्षा देने के लिए। देवी देवताओं का राज्य स्थापन करने आते हैं। ये बात स्मृति में आने से बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। तब तो कहते हैं संपूर्ण बन करके आवे तो खातिरी भी हो जावे। बच्चे जानते हैं बाबा हमको पढ़ाए रहे हैं। भाषण में भी ये समझाओ, गीता पाठशाला में हम राजयोग की शिक्षा पाए रहे हैं और ये शिक्षा गीता पति भगवान से हमको मिलती है। कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान तो कलातीत है, गुणातीत है, जन्म मरण से परे है। तो कृष्ण भगवान नहीं है। भगवान ज्ञान का सागर है। वो आकर के पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर वो ही निराकार है। कृष्ण तो साकार है। साकार कोई ज्ञान का सागर नहीं हो सकता। जो भी धर्म पिताएं हैं सब निराकारी स्टेज वाले हैं। तो भगवान तो बापों का भी बाप है, सब धर्म पिताओं का बाप है। वो तो जरूर निराकार होगा। उस निराकार बाप की ही स्थायी महिमा है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। वो ज्ञान का सागर ही हमको राजयोग सिखलाते हैं। पढ़ाई से ही विश्व की बादशाही देते हैं और ये है राजयोग की पढ़ाई। मुख्य बात है याद की यात्रा की। जब समय नजदीक आवेगा तो कलप पहले मिसल नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाए लेंगे। परमातीत अवस्था को पा करके जरूर ऊंच पद पावेंगे, और जो पुरुषार्थ करते हैं वो ही पावेंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो पाए नहीं सकते। जीवात्मा को संन्यास करना पड़ता है घर जाने के लिए, और संन्यास कराने वाला है बाप। बेहद का बाप आकर के बेहद का संन्यास कराते हैं, अभी संगम युग है। थोड़ा भी किसको समझाया जाए हम बेहद का संन्यास करते हैं, पुरानी दुनिया भूल गई तो नई दुनिया को याद करते हैं। इतनी सहज बात भी बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? इतने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जब समझाया जाता है तो क्यों नहीं समझते हैं? और तो कोई ऐसे समझाते नहीं है। तुम समझाते हो राजाई कैसे मिल सकती है? तुम ही कहते हो इस समय इस राजयोग की पढ़ाई से यह राजाई मिलती है, स्थापना होती है, बाकी सभी का विनाश हो जाएगा। गीता में भी ये बातें हैं, परंतु ये ड्रामा है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम अपनी राजधानी जरूर स्थापन करेंगे, बाकी सारी मेहनत समझाने की है। मुख से ही समझाना होता है, तुम्हारे मुख से अमृत टपकता है, और ये अमृत पीने वाले ही अमर बनते हैं। अमृत पीने से देवता बनते हैं। ये भी गायन है। जिन्होंने अमृत पिया वो देवता बन गए। बच्चे जान के स्थापना होनी है। मेहनत से जितना वर्षा लिया वो ही लेते रहेंगे, तुम तो देखते रहते हो। विघ्न भी पड़ने हैं वो भी देखते हो, किस कारण कैसे कैसे विघ्न पड़ते हैं तो तुम जानते हो। इस कारण भी ना विघ्न पड़ते हैं, अपवित्रता से विघ्न पड़ते हैं। बाप ने कहा माया के विघ्न बहुत पड़ेंगे, न चाहते हुए भी फालतू ख्यालात बुद्धि में आ जाते हैं। मनुष्यों को कशिश भी बहुत होती है, देखते हुए भी कोई इच्छा न हो, समझ जावे हम भाई भाई हैं। हम भाइयों को जाना है बाप के डायरेक्शन के अनुसार। पवित्र बनना तो अच्छा ही है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। देश है, दुनिया का जो कुछ भी देखने में आता है, बाप कहते हैं देखते हुए कुछ भी न देखो, अपने बाप को और अपने घर को देखो, वर्षे को याद करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, भगवान पढ़ाते हैं और भगवान आकर के भगवान भगवती बनाते हैं। इसमें मूल बात है याद की यात्रा की। इसलिए प्राचीन योग का बहुत मान है। बच्चों को खातिरी होनी है, विघ्नों आदि की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, सिर्फ तुम सर्विस करते रहो। राजाई जरूर स्थापन होनी है। तो अंदर में उत्साह रहता है, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सदा सर्विस का ही ध्यान रहना चाहिए। सर्विस अच्छी चल रही है, ठंडाई देखी जाती है तो सावधान किया जाता है। 17 सभी को देते रहो। पवित्र रहने की युक्ति बतलानी पड़ती है। ये गीता के अक्षर बहुत अच्छे हैं। बाप ने ही कहा है काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। अंदर में ये बात का ज्ञान टपकता रहे। कैसे आवाज नहीं निकलता है, समझाया जाता है। तुम जब याद से सतो प्रधान बन जाएंगे तो जरूर आवाज निकलेगा, फिर जाकर के राजाई करेंगे। पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप है, बाप की बुद्धि में कब नहीं आवेगा कोई से पैसा मांगे। क्या कहा? ये भी बाप की पहचान बता दी क्या? और आत्माओं की बुद्धि में इच्छा कभी पैदा हो सकती है कि मांगे, परंतु जो बाप का पार्ट होगा उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आवेगी क्या कि कोई से पैसा मांगे, और न बच्चों को कहेंगे कि मांगो। तो गुरु लोग होते हैं, अपने शिष्यों से भीख मंगवाते रहते हैं, भले खुद न भी जावे, लेकिन चेलों से खीर भीख मंगवावेंगे। बाप तो दाता है क्या? दाता है। बीएडी के कितने बाप हैं? 2 बाप हैं। एक है रूहानी बाप और दूसरा है जिस्मानी बाप बेहद का। दोनों के अंदर कोई से लेने की इच्छा नहीं हो सकती। रूहानी बाप तो ज्ञान का दाता है और जिस्मानी बाप क्या देता है? रूहानी बाप 21 जन्म की बादशाही देता है, बेहद की बादशाही देता है, और जिस्मानी बाप प्रजापिता से क्या मिलता है? हद के 63 जन्मों में जो भी राजाइयां हुई हैं, वो राजाई का वर्षा रूहानी बाप नहीं देता है। वो वर्षा हिंसक वर्षा है या अहिंसक वर्षा है? हिंसक वर्षा है। देहाभिमानी हिंसा करते हैं और आत्माभिमानी हिंसा करते ही नहीं है। देवताएं अहिंसक होते हैं, वो ही देवताएं जब हिंसक बनते हैं, देहाभिमानी बनते हैं, तो दूसरों के प्रभाव में आकर के हिंसा करने लग पड़ते हैं। तो देखो, दोनों ही बाप दाता हैं। एक है ज्ञान रत्नों का दाता और दूसरा है 63 जन्मों में क्या देता है? हर धर्म की आत्माओं में जाकर के राजाई का वर्षा देता है। परंतु कहते हैं मांगना अच्छा नहीं लगता है? अच्छा, मांगना अच्छा नहीं लगता है और आक्रामक बन करके दूसरों की राजाई लेना अच्छा लगता है, है? अरे मांगने के लिए तो कह दिया मांगने से मरना भला, और दूसरों के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके राजाई ले ली, ये अच्छा है क्या? नहीं है? बात समझाते हैं, सहज मिले तो दूध सम, खींच लिया तो खून बराबर। ये कौन से बात समझाते हैं? रूहानी बात समझाते हैं। सहज सहज मिल जाए वो दूध है, परंतु खींच करके ले लिया, जबरियन ले लिया, आक्रामक बन करके ले लिया, वो खून हो जाता है। संकल्पों का भी खून होता है। ये संगम युग की बातें हैं। यहाँ संकल्पों से शक्ति रखी जाती है। ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से शक्ति रखी गई, तो श्रीमत के अनुकूल जो संकल्प होते हैं उनसे सतयुग त्रेता की शक्ति रखी जाती है, और मनमत और मनुष्यमत के आधार पर जो संकल्प चलते हैं उनसे द्वापर कलयुगी हिंसक शक्ति रखी जाती है। बच्चों को डायरेक्शन मिला हुआ है क्या? मांगने से मरना वाला, तो ट्रायल करके देखो। मांगते हैं, इससे क्या साबित होता है? पुरुषार्थी है या पुरुषार्थहीन है? पुरुषार्थहीन है। बाप के बच्चे पुरुषार्थहीन नहीं होनी चाहिए। राजा मांगता हुआ अच्छा लगता है क्या? जो राजाई के संस्कार वाले होंगे, जन्म जन्मांतर राजा बनकर के रहे होंगे, वो मांगने वाले हो सकते हैं क्या? नहीं। परंतु अंतर पड़ जाता है। जो स्वर्ग की शक्ति है देवताओं की, वो भी मांगने वाले राजा नहीं थे, और जो नरक की शक्ति है उसमें जो हिंसक राजाएं हुए हैं उनमें भी मांगने के संस्कार नहीं थे। लेकिन अंतर किस बात का रहा? वो आत्माभिमानी और वो देहाभिमानी। देहाभिमानी हिंसा जरूर करता है, आत्माभिमानी हिंसा भी नहीं करता और मांगता भी नहीं है। वो है रूहानी बाप का वर्षा, और द्वापर कलयुग में जो राजाई मिलती है वो है जिस्मानी बाप का वर्षा। एक में कर्म अकर्म हो जाता है और दूसरे में कर्म विकर्म हो जाता है। बल मांगते नहीं है तो भी विकर्म हो जाता है। फिर भी बाप कहते हैं कोई से कुछ भी न मांगो, इसके कर्म की डोरी पक्की हो जाती है। क्या कर्म करेंगे तो स्वतः ही मिलेगा, कर्म नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। मांगना कोई कर्म नहीं है, मांगने की दरकार नहीं है। बाप तो कहते हैं आत्म की स्थिति में टिको, आत्म की स्थिति में टिकेंगे तो प्रकृति सब कुछ मुहैया करेगी। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और बाप तो बैठा है ना, बीती को बीती देखो, बीती बातों को याद नहीं करो, उन बातों को छोड़ दो। अभी डायरेक्शन मिलता है, कभी कोई से मांगो नहीं, शुरुआत में तुम बच्चों के लिए यही ख्याल आता रहता था, कुछ भी नहीं मांगो। क्या आज में ये बात थी यज्ञ में, क्या कोई से कुछ भी नहीं मांगना है, जो आज में तो अंत में भी ये बात प्रत्यक्ष होगी। मिलना होगा तो आप ही मिलेगा। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 28 मार्च 1964। बेहद के बड़े बड़े बाप से बेहद का ऊंचे दर्जा मिलता है, हैं दोनों बेहद के बाप, रूहानी बाप भी बेहद का है। 2, 4, 8, 10, 20, 50, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ का बाप नहीं है। जो भी बेहद की आत्माएं हैं सब का बाप है, और जिस्मानी बाप वो भी बेहद का है। हद के बाप तो जन्म जन्मांतर होते रहे, वो जिस्मानी बाप ही थे, परंतु बेहद का जिस्मानी बाप वो एक ही है जो सारी मनुष्य शक्ति का बाप है, और उस बाप से बेहद का ऊंच दर्जा मिलता है। दोनों ही ऊंचे से ऊंचे हैं। रूहानी बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, क्यों? क्योंकि वो सदैव स्वस्थिति में टिकने वाला है, इसलिए उससे स्वस्थिति वाला स्वर्ग का वर्षा मिलता है। और स्वर्ग में भी फिर दर्जे हैं, आमदनी एक से एक बहुत अच्छी है। इतना बड़ा वर्षा किसको भी पता है ही नहीं कि यहाँ ही मिलता है। और स्वर्ग में मालिक तो फिर सभी को कहेंगे ना, यथा राजा तथा प्रजा। वहाँ ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। कैसा मालिक पने की बात, शासक पने की बात कोई को बुद्धि में आती नहीं है, कहना भी नहीं पड़ता है कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। और हो सकता है शायद वहाँ स्वर्ग का नाम भी न हो। नई दुनिया के मालिक हैं, एक ही धर्म है। वहाँ कोई नक्शे आदि भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे धर्म का पता ही नहीं रहता है। उनको ये पता नहीं है कि पास्ट में कोई दूसरा धर्म भी था। आज मध्यांत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को तुम ही जानते हो और इस समय ही तुम ये सभी बातें समझते हो। अभी सभी धर्म मौजूद हैं और पास्ट का भी बात समझाए रहे हैं। इसको कहा जाता है आज मध्यांत ड्यूरेशन को जानना। यही तो जानना है, ये तो बच्चे सभी जानते हैं और बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भुलाई देती है। बाबा ने समझाया था, मैगजीन तो निकली है, अखबार में पढ़ करके जो मनुष्य डालते हैं उनका फिर रिस्पॉन्ड भी करते हैं, वो भी अच्छी बात है। बच्चे सर्विसेबल भी हैं, परंतु जब वह अलग रैयत को बांटा जाए तब पता चले। वो लोग तो अपने ही योग आदि को समझते हैं, उनों के पास तुम्हारी मैगजीन जावे और हर हफ्ते में 1-2 हजार जावे, भले फ्री बांटनी पड़े। तुम फ्री तो बहुतों को देते हो ना, नॉलेज तो सभी को देते हो। कोई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। तो मैगजीन में कोई कोई अच्छी बातें निकल पड़ती है, ये भी बात समझाते हैं और जिसने डाला है वो समझ सकते हैं और पढ़ने वाले इतना नहीं समझ सकते हैं। तो ये मैगजीन फ्री भी भेजा जावे। अच्छा समझकर कोई समय शायद पूछे इस मैगजीन का दाम क्या है। बोलो ये रूहानी नॉलेज है, इस रूहानी नॉलेज का पैसा नहीं लिया जाता है। हमको रूहानी गॉड फादर पढ़ाते हैं। रूहानी गॉड फादर के जो रूहानी बच्चे हैं उनसे फीस क्या लेंगे? गवर्नमेंट का है तो लेना है, ये तो बाप का प्राइवेट स्कूल है। चाहे लेवे और चाहे न लेवे, मैगजीन तो मांगते हैं। वो इतना समझते नहीं है जैसे बुद्धू लोग हैं जो बहुत महारथी है, तो अहंकार में आकर के पढ़ते ही नहीं है। बाबा सुना तो बहुत अच्छा लगा, उनको राय मिलनी चाहिए कि बहुत उनको भेज देंगे, फिर अखबार निकलेंगे तो उनको मदद भी देंगे। बाप चाहते हैं ऐसी ऐसी मैगजीन जानी चाहिए, खास खास। मुफ्त में भेज देनी चाहिए, 1000 भी खर्चा आए तो कोई हर्जा नहीं, फ्री भी भेज देनी चाहिए। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 29 मार्च 68 का। तुम हो दो बाप के सिकिल्ले बच्चे। क्या क्यों? तीन बाप के नहीं है। दो बाप के सिकिल्ले बच्चे हो तो भी बड़े बड़े बाप के बच्चे हो। 84 जन्म के तो 84 बाप होते हैं, वो तो छोटे छोटे हो गए। और ये दोनों बाप हैं बड़े बड़े बाप। एक निराकारी और दूसरा साकारी। निराकारी कौन? उनका नाम क्या? शिव। वो सदैव कल्याणकारी है। क्यों? वो निराकारी सदैव कल्याणकारी क्यों? और जो साकारी है वो सदैव कल्याणकारी क्यों नहीं है? हैं? जो निराकारी है सदैव सदाशिव है, वो देवान उसमें कभी आता ही नहीं। और जो साकारी है, जब उसमें निराकारी बाप प्रवेश करता है, पुरुषार्थ की संपन्नता होती है, तब तो बाप समान बन जाता है। परंतु फिर जन्म मरण के चक्र में आने से क्या होता है? स्थिति से परिस्थिति में आने वाला बन जाता है, साकारी बन जाता है, देह अभिमानी बन जाता है, इसलिए स्वार्थी बन जाता है। जिनको जिनको अपना रट होता है वो स्वार्थी जरूर बनते हैं। एक बाप ही है रूहानी बाप, जो भल साकार शरीर में आता है, परंतु उस साकार शरीर उसका अपना न होने के कारण वो कभी भी उसमें लिम्पायमान नहीं होता है। रूहानी, हाँ, 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 वो 84 जन्मों वाले हैं, 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेने वाले हैं, देवताएं। क्यों? द्वापर युग में जो देवात्माएं उतरती है वो 84 जन्म लेने वाली है या कम जन्म लेने वाली है? तो कम जन्म लेने वाली है। वो पूरी आत्मिक स्थिति में टिकती ही नहीं है देवता धर्म की। हाँ, जो 84 जन्म लेने वाले हैं, जन्म लेते लेते 5 तत्वों के सुख भोगते भोगते जब द्वापर में आते हैं तो कमजोर बन जाते हैं, लेकिन एक जैसे कमजोर नहीं बनते। कोई कम कमजोर बनते हैं और कोई ज्यादा कमजोर बन जाते हैं। तो जो कम कमजोर बनते हैं उनका उतरना धीरे धीरे होता है। जो द्वापर युग में ही जास्ती कमजोर बन जाते हैं, जैसे सिद्धार्थ का बाप शुद्धोधन इतना कमजोर तो नहीं बना। जो धृतराष्ट्र की तरह बच्चे के लिए मोह आ जाए और अपना धर्म कन्वर्ट कर ले, धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन बच्चे ने जब बड़ा काम करके दिखाया देश विदेश में, चारों ओर उसकी शोहरत निकली, तो दिल उसकी तरफ खींचने लगा। तो ये दिल का खिंचाव भी नहीं होना चाहिए। परंतु ये खिंचाव क्यों हुआ? क्योंकि जो भी देहधारी है उनको संग का रंग कुछ न कुछ लगता जरूर है। तो सिद्ध होता है कि जिनको संग का रंग लगा उनमें ये आदत है इस बात की कि अच्छे से अच्छा संग का रंग लगेगा तो सुधर जाएंगे, सुधरते भी जल्दी है। तो बाप का संबंध जब होता है तो संबंध का असर पड़ता है, सिद्ध हो जाता है तुम नई सृष्टि के मालिक बनने वाले हो। ये भी नई बात कहेंगे, ये बहुत ऊंची बातें हैं। संगम युग को ऊंच रखेंगे, क्यों? और युगों में भी तो संगम होता है, सच्ची को त्रेता में संगम होता है, त्रेता द्वापर में संगम होता है, द्वापर कलयुग का संगम होता है। उसको ऊंच क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ऊंच से ऊंच बाप, रूहानी बाप वहाँ प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष की बात छोड़े, होता ही नहीं। और इसे पुरुषोत्तम संगम युग में रूहानी बाप जब जिस्मानी बेहद के बाप में आते हैं तो दोनों ही बाप प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो अभी तुम जानते हो कि उस पार लगने में बाकी अभी थोड़ी देरी है, अभी 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं, बाकी 8-9 वर्ष बचे हैं। क्या अब की वाणी है? 68 की वाणी है। 68 में 8-9 वर्ष ऐड किए तो 76 आता है। 76 में 5000 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए बोला गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। भारतीय परंपरा में जो भी राजाएं हुए हैं, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। ये परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग से पड़ी। तो प्रेम सोल बाप भी जब आते हैं तो मनुष्य शक्ति का जो बड़ा बच्चा है उस बच्चे को ही चुनते हैं जो पूरा ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। उसके लिए बोला कि 8-9 वर्ष बाकी बचे हैं इस बात में है। ये 5000 वर्ष का ड्रामा उस आत्मा की बुद्धि में पूरा हो जाता है। पहले मन बुद्धि पूरा चक्कर लगाएगी या शरीर के 5 तत्व पूरा चक्कर लगा देंगे। मन बुद्धि रूपी आत्मा पूरा चक्कर लगाती है तो अपने स्वरूप को समझ जाती है। फिर नंबरवार आत्माएं अपने अपने स्वरूप को समझती जाएंगी। जब अपने स्वरूप को समझ लेंगी तो समझो उनका 5000 वर्ष का चक्र बौद्धिक रूप से पूरा हुआ। शारीरिक रूप से तब पूरा करेंगे जब 5 तत्वों के ऊपर विजय पाएंगे। पुरुषार्थ करते करते बोला अभी 8-9 वर्ष बचे हैं। इस हालत में बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस बात का कब बुद्धि में ख्याल नहीं था, अभी बाप ने आकर के तुम बच्चों को बहुत बधाइयां दी है। इस बात की कि पुरानी दुनिया खलास होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, उसकी बधाई है। तुम्हारा राज भी नजदीक है। बाप कहते हैं बच्चों तुम अभी अपना राजभाग स्थापन कर रहे हो। 100% सर्टेन है। देखो बाकी बात है कौन सा पद प्राप्त होगा। नजदीक चल करके देखेंगे क्या होगा और ये भी जानेंगे कि हीरे जवाहरात आदि के महल कैसे होंगे। बेसिक नॉलेज में क्या समझते थे, सोने के महल होंगे। भक्त बुद्धि तो स्थूल बातों को उठाते हैं ना, और बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो जानेंगे हीरे जवाहरात आदि के महल कैसे होंगे। महल माना किले, किला माने संगठन। ये चैतन्य आत्माओं का संगठन है जो तैयार होने वाला है। रूहानी बाप आते हैं तो रूहों का संगठन बना देंगे या जड़ के लिए तैयार करावेंगे। रूहों का संगठन तैयार कराते हैं। उनमें भी जो हीरे जैसी चमकती हुई आत्माएं हैं, उन हीरों की माला तैयार होती है। उनकी माला है हीरों की 8 की। तो क्या होगा ये भी तुमने देखा है। विमान भर करके कहाँ न कहाँ से सोना ले आवेंगे। कौन सा विमान? ये आत्मा भी विमान है, रॉकेट है। और सोना शक्ति आत्माओं का संगठन। मकान बनने के लिए जरूर कोई प्लान होगा। जो भर करके ले आवेंगे जिससे मकान बना देंगे। चैतन्य ईंटें होंगी या जड़ ईंटें होंगी? चैतन्य ईंटों की ही बात है। तुम बच्चों को तो यही ख्यालात आती रहनी चाहिए। ऐसे नहीं समझना कोई सागर में से देवताएं निकलेंगे जो थालियां भर भर करके ले आवेंगे। उन शास्त्रों में क्या दिखा दिया है? सागर से कोई निकले जो थालियां भर करके ले आए। कौन सी थाली भर करके लावेंगे? तो विचार सागर मंथन की बातें हैं। विचार सागर मंथन करेंगे तो सागर की गहराइयों में जाने वाले थालियां भर भर करके लावेंगे। वो तो अभी ज्ञान सागर से तुमको रतन मिल रहे हैं, बाकी वो जवाहरात तो खानियों से ले आवेंगे। ये सब कैसे होगा बच्चे समझते हैं। विजय तो तुम्हारी होनी है। और ये भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको ख्याल आप में आवेगा। जो सर्विस फील्ड में ही नहीं रहते तो उनका विचार सागर मंथन चल नहीं सकता है। इनको रात दिन ख्यालात होता है, इनको माने किनको, ब्रह्मा बाबा को रात दिन ये ख्यालात होता है, क्या होगा, खानियां कैसे भरती होंगी। और सोने की खानियां तो यहाँ भी है, कितना सोना निकालते हैं, हीरे निकलते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, खोद खोद करके निकालते हैं। क्या जो जरा हीरे हैं, जरा सोना है, वो यहाँ भी तो इस दुनिया में निकाला जाता है ना, परंतु मेहनत से निकालते हैं, यह मोहब्बत से बड़े आराम से निकल आता है, कितनी मेहनत करके निकालते हैं, रफ निकलता है, फिर उसको प्योर किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। ऐसे ऐसे ख्यालात कब आगे नहीं चलते थे, मैंने इस दुनिया में जो अभी बेहद के हीरे जवाहरात सोना निकल रहा है, वो रफ निकल रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, यह जल्दी रिफाइन हुआ निकलता है। अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये रुद्रमाला के मणकों के लिए बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब विजय माला निकलेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी क्या है? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात कब तुमको आगे नहीं आते होंगे। अभी तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, ये निश्चय है। पूछेंगे क्या होता है, सोना हीरे कहाँ से लाते हैं, उनकी मार्च 68 वाणी का दूसरा पेज, वहाँ नोटों आदि की जरूरत नहीं होती है। क्या तुम ऐसा इंसान पढ़ रहे हो जिसका ये वजह नई दुनिया में मिलता है? यही कहा जा सकता है कि जैसे कलब पहले बनाया था वैसे ही महल आदि बनाते रहेंगे, परंतु ये सब चिंतन सर्वसेवन बच्चों को ही चलता होगा। जो भी रिद्धि सिद्धि वाले इस दुनिया में हैं, जितना तुम बाप के नजदीक आते जावेंगे उन सभी की रिद्धियां सिद्धियां उड़ती जावेंगी। क्या उनकी रिद्धि सिद्धियां काम नहीं करेंगी? क्यों नहीं काम करेंगी? क्योंकि वो सब है भूत प्रेतानी सिद्धियां, भूत प्रेतों को सिद्ध करते हैं, और तुम्हारी ईश्वरीय सिद्धि है।